हुकूमत की इस दौड़ में भागा, थका और थक के टूट गया इन्वेस्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग डीएचए क्वेटा। आज की वीडियो है डीएचए क्वेटा के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने वहां पर इन्वेस्ट करके अच्छा क्यों किया था, पिछले दो हफ्तों में चेंज होने वाली डायनामिक्स की रियलिटी क्या है और फ्यूचर में डीएचए क्वेटा के क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट्स हैं। मजीद तफसीलात के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिए और आखिर में चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम आपको पता ही है, मेरा नाम है असफंद औसाफ और आप देख रहे हैं स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स की ऑफिशियल वीडियो। तो जनाब, आज से तीन हफ्ते पहले आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और अलग-अलग चैनल्स पर देख लिया कि लोग आपको बता रहे थे जी डीएचए क्वेटा की तरफ से ये रिस्पांस है, फाइल्स के रेट्स नीचे जा रहे हैं, और ज़्यादा नीचे जाएंगे, नुकसान उठाना पड़ेगा इन्वेस्टर को, वगैरह वगैरह। इसका रिएक्शन ये हुआ कि इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार किया, क्वेश्चंस आने लग गए, कमेंट्स आने लग गए, कॉल्स आने लग गई कि भाई डीएचए क्वेटा के अंदर हमने इन्वेस्ट किया था, हमारी इन्वेस्टमेंट तो नुकसान दे रही है, हमें तो फ़ायदा चाहिए था। हर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है मुनाफे के लिए ही, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड इसी चीज़ पे हम आपको आमादा करवाते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको मुनाफा होगा। बात मैं कर रहा हूँ एक ऐसी सोसाइटी की जिसकी एक लेगेसी है। जी हाँ, डीएचए क्वेटा यानी डीएचए का जो लेबल है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी क्रेडिबिलिटी आप चाहे किसी शहर में चले जाएं, आपको प्रूफ नहीं मिलेगी। लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, लोगों ने वहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना शुरू किया, लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट भी कमाया और इवन परचेज्ड फाइल्स लेने के बाद उसके ऊपर भी मुनाफा कमाया। ऐसी सोसाइटी जो आपको मुनाफा देने की पूरी क्रेडिबिलिटी या कैपेबिलिटी रखती हो, वो आपको नुकसान कैसे दे सकती है? क्वेश्चन नंबर वन ये है। तो ऐसी सोसाइटी जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी हो, आपको नुकसान कैसे देगी? अब आप मुझे आगे से ये सवाल करेंगे कि भाई नुकसान तो हो गया, फाइल की प्राइसेस तो नीचे आ गई। फाइल की प्राइसेस नीचे आई थी गवर्नमेंटल लेवल पे जो एम्बिग्विटी बनी हुई थी कि किसकी हुकूमत रहनी है, किसकी हुकूमत नहीं रहनी, कौन से डायनामिक्स चलेंगे, पॉलिटिकल डायनामिक्स किस तरह के होंगे, फैसला किसके हक में बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इस सारे लोकल टर्मोइल के चलते डीएचए क्वेटा की प्राइसेस नीचे आ रही थी, फाइल प्राइसेस नीचे आ रही थी, लोगों ने एक्यूजेशन लगानी शुरू की जी फेक प्राइसेस थी, ये था वो था, वगैरह वगैरह वगैरह। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो छोटे मोटे लांझे होते हैं ना, ये छोटी छोटी सोसाइटीज़ के साथ होते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जिसका एक प्रॉपर लेगेसी है, एक प्रॉपर बैकग्राउंड है, एंड पीपल हैव इन्वेस्टेड इमेंसली, स्पेशली द ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड इमेंसली, वो सोसाइटी अपने इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? डीएचए वो लेबल नहीं है जिसने एक दफ़ा क्वेटा में इन्वेस्ट किया एंड उसके बाद जी उसने और कहीं नहीं जाना। डीएचए फलाना शहर, डीएचए ढमकाना शहर, ये भी आना है। तो ये वो सोसाइटी है, ये वो हाउसिंग अथॉरिटी है जिसने अलग अलग शहरों में जाके अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी है और पहले भी की है। तो ये आपके साथ ये स्कैम, ये गेम नहीं करेगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज उसको इन्वेस्टर चाहिए, इन्वेस्टर का ट्रस्ट एंड फेथ चाहिए, क्योंकि डीएचए में इन्वेस्ट करने वाली लॉट हमेशा डीएचए में ही इन्वेस्ट करती है, चाहे उसके करीब कोई भी एरिया या इदारा लगता हो। अब एक और मेजर एलिमेंट, अब इस एम्बिग्विटी के चलते आपने देखा जी आपकी फाइल की प्राइस, एलोकेशन फाइल की प्राइस नीचे आ रही है। अब इस एलोकेशन फाइल की प्राइस नीचे आने से पहले आपने कहा जी इसको बेच दें, आपने इसको बेचा, चलो बेच दिया तो क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक नहीं बेचा तो मेरा मशवरा है कि मत बेचें। प्राइसेस 4-5 लाख 6 लाख नीचे आती हैं, आने दीजिए। डीएचए क्वेटा एक ऐसी सोसाइटी है जो अपने इनिशियल स्टेजेस में है, उसमें डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और अभी भी बहुत तवील अरसा पड़ा है। प्राइसेस ने कितना लंबा अरसा तय करना है ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी वो मुनाफा देने की कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी रखती है आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू सेल योर एलोकेशन फाइल, डोंट सेल इट, कीप इट, वेट फॉर द राइट टाइम,
आपको वेट फॉर द राइट टाइम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है। अभी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है काम, आपके रेट्स भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, इम्प्रूव होंगे रेट्स इन दी मंथ्स टू कम। अभी जब इन दी मंथ्स टू कम रेट्स इम्प्रूव होंगे तो आपको पैसे ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा DHA क्वेटा का, और हो सकता है आप एलोकेशन फाइल की बजाय एक और फाइल या दो और फाइल्स खरीद के बैठ जाए कि यार अब तो मुनाफा देने लग गई है। लोगों की बातों में आकर आप अपना डिसीजन मत बदलें, आप बने स्मार्ट इन्वेस्टर, जिसका मशवरा हम आपको देते हैं पहली वीडियो से। ठीक है जी, अब एक आखिरी मेजर एलिमेंट, एक इन्वेस्टर मुनाफा दे के एक हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करता है, उसको हो रहा है जी नुकसान, वो कहे जी मैं अपनी फाइल क्यों रखी रखूँ सिर्फ आपके कहने पर। आप ट्रस्ट कीजिए नंबर वन ब्रांड को, ट्रस्ट कीजिए नंबर टू उस अवाम के रिस्पॉन्स को जो अवाम ने शो किया था DHA क्वेटा के लिए, एंड लास्टली ओवरसीज इन्वेस्टर वो हाउसिंग सोसाइटी ढूंढता है जिसकी हिस्ट्री हो, जो काम पक्का करती हो, जिस सोसाइटी में वो इन्वेस्ट करे 3 साल बाद आए अपना प्लॉट मैच्योर होता देखे और फिर सेल कर दे या फिर वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दे। ओवरसीज का जो बायर होता है उसके पास टाइम थोड़ी होता है कि भाई वो आके देखे एंड फिर वो कहे कि हाँ मैं हर 6 महीने बाद चक्कर लगाऊंगा अपना प्लॉट देखने के लिए आऊँगा। दी ओवरसीज इन्वेस्टर ऑलवेज लुक्स फॉर अ क्रेडिबल हाउसिंग सोसाइटी एंड DHA क्वेटा इज एक्चुअली वन ऑफ देम। ईद पर बाहर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे उन्होंने प्री बुकिंग्स भी करवा रखी हैं और उन्होंने इमेंस रिस्पॉन्स शो करना है। ईद पर ये ट्रेंड होता है, बकराईद पर भी होता है, छोटी ईद पर भी होता है, गमी खुशी में तो लोग आते रहते हैं कम तादाद में, लेकिन इन बड़े मौक़ों पर बड़ी तादाद आती है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान की अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर। तो ये वाला रिस्पॉन्स तो ऑलरेडी मुतवक्का है, तो अगर वैसी डायनामिक्स ख़राब हो DHA क्वेटा की तो ये रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा। अब आई एम ट्राइंग टू मेक यू थिंक कि एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसके बारे में हम ये सब बातें कर रहे हैं वो आपको नुकसान कैसे देगी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू सेल योर फाइल डोंट, हमारा मशवरा है कि डोंट, वेट फॉर द राइट टाइम। थोड़े टाइम बाद प्राइसेस ऑब्वियसली ऊपर जाएंगी, फॉर ऑब्वियस रीजंस ऊपर जाएंगी, क्योंकि DHA क्वेटा की परफॉर्मेंस और क्रेडिबिलिटी टॉप नॉच रही है और है ही। ठीक है, मजीद तफसीलात के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल करके सवाल कर सकते हैं, सवाल करेंगे हम आपको जवाब देंगे। परेशान मत हुआ करें, इन्वेस्टमेंट किया करें, ध्यान से किया करें, उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन प्रॉपर्टी की एक खास बात यह है कि इट विल नेवर टेक यू टू लॉस, नेवर। उसका ग्राफ अप डाउन जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जैसी हमने अभी फेस की, लेकिन वो कभी भी आपको लॉस में नहीं लेके जाती। इसी मशवरे के साथ, इसी एडवाइस के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है असफंद औसाफ, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना और फेसबुक पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फी अमान अल्लाह।